हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और खूब मज़े से होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। तो रात हो रहा है तो हमने खाना वाना खा लिया है और देखिए मैं अब क्या बनाने जा रही हूँ। मैं काजल बनाने जा रही हूँ क्योंकि आज काफ़ी दिन से हमारे बाबू को लगाने के लिए काजल ख़त्म हो गया है, तो उसी के लिए आज मैं काजल बनाने जा रही हूँ बाबू को लगाने के लिए। और वैसे तो काजल मैं बाज़ार से भी खरीद कर ला सकती थी, लेकिन बाज़ार से नहीं लाई क्योंकि वो आंखों में लगता है और आंखों पे अर्जाल जाता है। बाज़ार की चीज़ें सही नहीं होती और फ्रेंड्स, घर की बनाई चीज़ें थोड़ा प्योर रहता है। तो हम अपने हाथ से काजल बना के लगाते हैं। और हम इस काजल को कैसे बनाते हैं आपको ये भी तरीका बताते हैं। हम थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे, देखिए इसको पूरा तेल से भर देंगे और इसमें थोड़ा सा बाती बना लेंगे इसका, रुई का। तो फ्रेंड्स, ये सब इसको बनाने के बाद मतलब इसे हम रात भर जलने देंगे। और ये देखिए हमारा ये छोटा है और बड़ा भी होता है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, तो दुकान वालों ने उठा के वैसे दे दिया। हम काफ़ी दिन से ला के रखे हैं लेकिन हमें टाइम नहीं मिला बनाने को, और काफ़ी दिन से हमारा काजल ख़त्म हो गया। बाबू हमारा ऐसा ही रहता है, छोटा वाला लगा नहीं पाती हूँ काजल नहीं है तो देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं काजल बनाती हूँ। अमावस को बनाती हूँ, लेकिन और इस वक्त मुझे पहले बनाना पड़ रहा है क्योंकि लगाने के लिए है नहीं काजल। तो हमने बना दिया है दोस्तों बाती, अब हम इसको जला देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसे जला दिया और इसे पूरब की ओर हम इसे रख देंगे और इसके ऊपर इसे ढकेंगे। तो इसका एक कोई सहारा भी देना है हमें, क्या रखें? तो चलिए दोस्तों, हम इसे ले लेते हैं। तो इसे हम ऐसे रख देंगे। तो दोस्तों देखिए, अब ये रात भर ऐसे जलता रहेगा। अगर नींद खुली हमारी तो रात को और भी आके तेल डाल देंगे, और नहीं खुली तो जितना बन सकेगा उतना बनेगा। और फिर आपको सुबह हम दिखाएंगे कि ये कैसा बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है और कैसे बनाना है, तो हम आपको सुबह बताएंगे। तो देखिए, हमने इसमें पिल्सलिन डाल रखा है और ये देखिए हमने मतलब इसके नीचे दिया जो जलाया था तो इतना सा ही वो निकला है जल के। तो अब इसको बनाने का तरीका है, कोई कुछ नहीं करना है ज़्यादा, सिर्फ एक बार मेडिकल स्टोर से पिल्सलिन लेकर आना है जो कि आँखों में मतलब डाला जाता है दवाई, वही है दवाई है। और ये देखिए ये पिल्सलिन है, तो इसी पिल्सलिन को हम मेडिकल स्टोर से मंगाएं, ज़्यादा पैसों में नहीं आती है ये। और इसी से हमेशा हम काजल बनाते हैं। और फ्रेंड्स, काजल बनाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, और हम हमेशा काजल अमावस के दिन ही बनाते हैं क्योंकि वो काजल बहुत बच्चों का मतलब बहुत काम आती है अमावस वाले काजल। तो इसी वजह से आज हमारे पास उस था नहीं काजल, इस वजह से हमने बड़े मजबूरी में बनाया है क्योंकि हमारे बाबू को लगाने के लिए काजल नहीं था। तो हम बाज़ार से ख़रीद कर ला सकते हैं लेकिन नहीं, हम बाज़ार से नहीं लाएंगे क्योंकि वो आँखों में लगता भी है
और मतलब आंखें कमज़ोर भी हो जाती हैं, इस वजह से हम वो काजल नहीं लगाते। तो दोस्तों, अगर आज हमारा वीडियो ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।